डिफेंस सेक्टर जो है किसी भी कंट्री का एक हम लोग कह सकते हैं कि बैकबोन होता है फॉर ओवरऑल पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स रीजनल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लिया है एक मेजर डिसीजन, एक मेजर स्टेप। बहुत सालों से ये एक डिसीजन था जो पेंडिंग था एंड फाइनली गवर्नमेंट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कि क्या है ये जो न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेटाइजेशन क्लियर्ड टू बी स्प्लिट इनटू 7 कंपनीज। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस भी इसको कवर करता है। कह रहे हैं गवर्नमेंट ने इसका रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर दिया है एंड 7 अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज को बनाया जाएगा एंड ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होगा करीब करीब ईयर एंड तक खत्म हो जाएगा। जानेंगे यहाँ पर डिटेल में कि क्या है इसका मीनिंग, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बेनिफिट इससे हो सकता है एंड क्या इससे डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। सो बहुत कुछ यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज मैं आपको बता देता हूँ, आप जुड़ सकते हो इंस्पिरेशन आईएएस के साथ फॉर डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण एंड जो आपको मिल जाता है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationis.org में। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑफकोर्स आवर यूट्यूब चैनल। आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप अवेल कर सकते हो हमारा फाउंडेशन कोर्स फॉर बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, जो आपको मिल जाएगा जब भी सिचुएशन नॉर्मल होते हैं। तो इसके लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली मॉक टेस्ट सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 फॉर बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर, जो आप अवेल कर सकते हो इन दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार यहाँ पर, या फिर आपको मेरे वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन मिल जाता है मेरा टेलीग्राम चैनल @SirRoopak यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर डेली नोटिफिकेशंस। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा, इनमें से कौन सा कंट्री है जो मिलिट्री एक्सरसाइज कॉर्पोरेट इसको शेयर करता है इंडिया के साथ, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इसमें इनमें से कौन से कंट्री या कौन सा कंट्री इन्वॉल्व्ड है। आपका ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड ऑब्वियसली एज ऑलवेज मैं चाहूंगा इसका आंसर मुझे आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन का मीनिंग क्या है। बेसिकली इट मीन्स कन्वर्टिंग द सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनटू अ 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटी। बेसिकली ये जो एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, इसको हम लोग कॉर्पोरेटाइज करेंगे, मतलब इसको एक कॉर्पोरेट एंटिटी बनाएंगे एंड इसका जो स्टेक है ये ओन करेंगे हमारा गवर्नमेंट, जो 100% स्टेक है इट विल बी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसके लिए इसको सुपरवाइज करने के लिए, ये जो ट्रांजिशन होगा इसको सुपरवाइज करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप भी बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इनके अंडर में एक एम्पावर्ड ग्रुप भी बनाया गया है एंड इट विल ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये बोर्ड है क्या। यहाँ पर देखिए ये जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो काम करता है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP के अंडर में एंड ऑफ कोर्स ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। एंड इसका फंक्शन क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट करना, प्रोडक्शन ऑफ एम्यूनेशंस एक्सप्लोजिव्स व्हीकल्स जो है इनको प्रोड्यूस करना फॉर बोथ जो ऑल द एरियाज ऑफ डिफेंस, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर, लैंड एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू जो हमारा सी पावर है, इन सारे सेक्टर्स के लिए ये काम करता है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो कॉम्पोजिशन है इट कंप्राइज ऑफ 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इसके साथ साथ यहाँ पर 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी जुड़े हुए होते हैं। वैसे फंक्शन में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, इसमें लॉजिस्टिक्स एंड टेस्टिंग भी इन्वॉल्व होता है, जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है एंड लॉजिस्टिक है, यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं, सो टेस्टिंग वगैरह भी ये कंडक्ट कर लेता है। सो एक हम कह सकते हैं काफ़ी ब्रॉड बेस्ड यहाँ पर इनका फंक्शंस होता है या फिर इनका जो जो
जो इनको ओवरऑल जो सेक्टर होता है जहां पर ये काम करते हैं ये काफी ब्रॉड बेस्ड है एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर आवर डिफेंस सेक्टर. सो ऑब्वियस सी बात है एक काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड है एंड यहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेटाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं. सो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट टॉपिक बन जाता है फॉर यूपीएससी 2021. यहाँ पर रीजन क्या बता रहा है गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड में थोड़ा ले जाता हूँ. यहाँ पर 2019 में एक रिपोर्ट आया था कैक का जहां पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स बताए थे और व्हेन इट कम्स टू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जैसे कि जो ओवरहेड कॉस्ट है ये काफी ज्यादा इनकर कर रहे थे हम लोग. मतलब क्या है इसका, मतलब है कि जो डिफेंस में जो एम्यूनेशंस आर्म्स प्रोडक्शन है इसमें हम लोगों का जितना खर्चा होता है, जितना हम लोग खर्च रहे थे इससे ज्यादा खर्च हो रहा था मेंटेनेंस में. जो लेबर कॉस्ट है या फिर जो सुपरविजन कॉस्ट है इनमें हम लोग ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे थे. एंड यहाँ पर और भी जो रीज़न और भी जो लूप होल्स यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है, काफ़ी बिलो पार है. इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ लेस देन 50% है इसका यू नो प्रोडक्टिविटी जो है. मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डिलेड प्रोडक्शन के बारे में, जो प्रोडक्शन है ये बहुत यू नो टाइम बाउंड मैनर में नहीं होता है, डिले हो जाता है. एंड इसी के चलते यहाँ पर ये जो लूप होल्स इसको कैग ने अपने रिपोर्ट में इन्होंने यू नो इन्होंने इनको पिन पॉइंट किया था, पॉइंट आउट किया था. सो प्रोडक्टिविटी के मामले में या फिर जो कॉस्ट एफिशिएंसी है इन सब के मामले में, इन सब के अलावा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में. देखिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी है ये काफ़ी वोकल है अबाउट आत्मनिर्भर भारत एंड इसी का एक यू नो हिस्सा हम लोग कह सकते हैं. इसी के अंडर में एक स्टेप यहाँ पर लिया गया है डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जिससे कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगा. कैसे होगा ये, वी विल एड्रेस दी लेक्यून, जो लूपहोल्स यहाँ पर कैग रिपोर्ट में मेंशन किया गया है जैसे कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जो डिलेड प्रोडक्शन होता है या फिर जो ओवरहेड कॉस्ट होता है इन सब लूपहोल्स को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, पॉइंट आउट करने वाले हैं एंड ऑफकोर्स इनको हम लोग एड्रेस करने वाले हैं. इससे इन सब के अलावा इससे क्या होगा, जो ऑटोनोमी है हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का इसमें ऑटोनोमी बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा एंड इनसे ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हद तक बूस्ट होने की संभावना है. एंड दिस इज द ओवरऑल रीजन जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेटाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है आपको समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट आखिर चाहता क्या है. यहाँ पर देखिए जो कैक का रिपोर्ट है ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, काफ़ी सारे शॉर्टकमिंग्स के बारे में इन्होंने बात किया है, इन्होंने इनएफिशिएंसी के बारे में बात किया है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन या फिर जो मार्केट एक्सेस है ये भी काफ़ी लो है, मार्केट रीच जो है. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम लोग इसको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो फिर बेसिकली यहाँ पर जो ये अकाउंटेबिलिटी है इनका बढ़ेगा एंड इन सब के चलते हम लोग जो शॉर्टकमिंग्स इनको एड्रेस कर पाएंगे, इनएफिशिएंसी को रिड्यूस कर पाएंगे, सप्लाई चेन को बूस्ट कर पाएंगे एंड ऑफ कोर्स हम लोग नए मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे एंड ये होगा थ्रू ग्रेटर ऑटोनोमी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो यहाँ से आप समझ सकते हो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. लेकिन यहाँ पर कुछ कंसर्न है, देखिए कंसर्न क्या है, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ है इनका कंसर्न है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के चलते हो सकता है ये आगे जाके प्राइवेटाइज हो जाए. तो देखिए यहाँ पर ये एक कंसर्न है एम्प्लॉयज़ का, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया. देखिए क्योंकि ये 100% गवर्नमेंट ओन रहेगा तो फिर जो स्टेक्स है ये गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा 100%. तो अभी के लिए तो हम लोग इतना बता सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर फिलहाल तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है. सो ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, करना चाहिए टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉयज़. इन सब के अलावा सैलरी को लेके या फिर जॉब लॉस को लेके कुछ कम्प्रिहेंशंस है, अप्रिहेंशंस है, तो इसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एड्रेस किया. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, जॉब लॉस को एड्रेस किया जाएगा या फिर जो सैलरी है इसको गवर्नमेंट पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लियरली इंडिकेट किया है कि जो एम्प्लॉयज होंगे उनका प्रॉपर सैलरी पेमेंट जो है वो होता रहेगा इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान. यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग एक आउटकम निकाल सकते हैं कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन है इससे हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगा, हमको स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स मिलेंगे जिससे कि हमारा डिफेंस जो है ये भी काफ़ी यू नो इम्प्रूवमेंट हम लोग देखेंगे. इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि जो डिफेंस सेक्टर है ये काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स जो हमारा
हमारा डिसीजन मेकिंग है ये यहाँ पर लाइक एफिशिएंसी जो है, ऑटोनोमी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, ये भी काफ़ी हद तक बूस्ट होगा यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स मार्केट एक्सेस जो है, इसके चलते हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलने वाला है। सो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट का, हमको आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ये जो कंसर्न है इनको एड्रेस करते हैं प्रॉपरली, जो स्टेक होल्डर्स है इन तक पहुंचाते हैं। सो ये एक देखने वाली बात होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।